तन्वा शंकर शाद मुशायरा साहित्यिक दिग्गजों को श्रद्धांजलि और उर्दू कविता का उत्सव। शंकर लाल मुरलीधर मेमोरियल सोसाइटी DCM श्रीराम ने वार्षिक उर्दू शायरी 55वें बसमे मुशायरा का गर्व से आयोजन किया। उत्सव का स्थान सर शंकर लाल ऑडिटोरियम मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड रहा। शंकर शाद मुशायरा एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है, जहां देश भर के कवि अपने खूबसूरत कलाम पेश करने और विचारशील गतिविधियों में संलग्न होने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम में जावेद अख्तर, प्रोफेसर वसीम बरेलवी जैसे प्रतिष्ठित कवियों की उपस्थिति के साथ गीतात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन हुआ। शीन काफ निजाम, अजहर इकबाल, नौमान शौक, डॉक्टर नुसरत मेहदी और डॉक्टर मीनू बख्शी अन्य प्रसिद्ध हस्तियों में शामिल हैं। उपस्थित लोगों ने एक मनमोहक शाम का आनंद लिया। 1954 में शुरू हुआ यह वार्षिक मुशायरा भारत के प्रसिद्ध कवियों के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है। पिछले एक दशक में इस घटना ने भू राजनीतिक पर काबू पा लिया है। चुनौतियां पाकिस्तान और विदेशों से सम्मानित उर्दू कवियों की भागीदारी का स्वागत करती रही है। सदियों पुरानी यह परंपरा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शंकर लाल मुरलीधर सोसाइटी के अध्यक्ष और DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक माधव बी श्रीराम कहते हैं, उर्दू दिल्ली की है, ये दिल्ली की खड़ी बोली थी, ये दिल्ली के शाही दरबारों की भाषा थी। हमारा परिवार 100 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली का हिस्सा रहा है, इसलिए हमारा इससे घनिष्ठ सहयोग है। ये 2019 में ऐसा मुशायरा हुआ था जैसा आज हुआ है। अब पिछले बरस कई मुशायरे थे, कुछ शादियां भी थी पिछले साल, तो कुछ सामयीन थोड़े से कम रह गए थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छा मुशायरा हुआ और आखिर तक लोग बैठे। मैं इसे यादगार मुशायरा कहूंगा। 2024 का आगाज है, पूरे साल भर के लिए क्या सोचते हैं, कैसा रहेगा ये साल भर? देखिए, अब ये इवेंट्स जो है ना थोड़े से मुतासिर होंगे, क्योंकि इलेक्शन का साल है, तो अब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और दफा 144 लगेगी, तो इवेंट जाहिर है कम होंगे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन के बाद फिर यही माहौल बनेगा। और हिंदुस्तान तो संस्कृतियों का एक संगम है, तो यहाँ हमेशा, अब तो पहले से बहुत ज्यादा होने लगे, फेस्टिवल बढ़ गए हैं, महोत्सव हो रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कवि सम्मेलन और मुशायरों की तादाद जो है वो बढ़ी है और बढ़ती रहेगी, क्योंकि लोग आर्ट्स की तरफ, शायरी की तरफ खास तौर से बहुत तेजी से आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ, और उन्हें इसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी नजर आती है और अपने दिल की तर्जुमानी भी नजर आती है शायरी। सर, कोई दो लाइनें आप दर्शकों के लिए कहना? यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। शंकर शाद मुशायरा, जिसको DCM मुशायरा भी कहा जाता है, बेसिकली दबिस्तान दिल्ली की जो अदबी रिवायतें हैं उनका अमीन है, और ये ट्रेडिशन मेरे ख्याल से कई नस्लों से चली आ रही है। और अदब की जैसी आबियारी DCM ग्रुप कर रहा है या शंकर शाद मुशायरा कर रहा है, वो वाकई उसकी पजीराई होनी चाहिए, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस कदर कामयाबी के साथ ये मुशायरा मुनक़िद हुआ। और दूसरा, आज दिल्ली में तकरीबन 3 बड़े फेस्टिवल थे, उसके बावजूद ऑडिटोरियम में कहीं बैठने की जगह नहीं थी, इतनी कसीर तादाद में लोग आए थे, ये गवाही देता है इस बात की कि DCM मुशायरा या शंकर शाद मुशायरा दबिस्तान दिल्ली में किस कदर मकबूल है। सब पेशकश और ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहेंगे, कैसा? ये मतलब एक खास तरह की ऑडियंस थी, हर अच्छे शेर पर दाद दी उन्होंने, बहुत सुखन फहम लोग आए हुए थे। अच्छे शायर तो कोई भी बुला है, लेकिन अच्छी ऑडियंस बुलाना कमाल होता है, और ये माधव भैया का कमाल है कि उन्होंने ऐसी ऑडियंस को यहाँ बुलाया जिन्होंने हमें बहुत मोहब्बतों से, बहुत खुलूस से नवाजा और बहुत अच्छे से शायरी सुनी। एक छोटी सी कोई शायरी जो आप दर्शकों के लिए ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, तुम्हें गले से लगाया नहीं बहुत दिन से। शुक्रिया। तो बेसिकली मेरा नाम सागर सेतिया है और हम इनविंसिबल पब्लिशर्स हैं, तो मुझे यहाँ से इनविटेशन मिला था
आसियान की तरफ से, और इस तरीके का मुशायरा होता था तो काफी सारे बड़े लोग आए। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है आजकल इंडिया में, तो मेरे हिसाब से ऐसे मुशायरे होना, और मेरे हिसाब से जिस तरीके से शिद्दत हो रहा कर रहे थे सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो लोगों का आज भी कहीं ना कहीं ध्यान है मुशायरे को सुनते हैं। बिल्कुल, तो ये इतने बड़े बड़े शायर को बुलाना करना आप लोगों कितना कन्वीनियंट था, या आप लोगों ने कैसे इसको मैनेज किया? करने वाले आरसीएम है, क्योंकि ये बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, 1955 से चलता आ रहा है, तो ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट कर चुके हैं मुशायरे के। आपको कैसा पर्सनली फील हुआ? पर्सनली बहुत अच्छा फील हुआ, अगर इनको लाइव देखना जिन्हें हम टीवी में देखते हैं फिर डिजिटली देखते हैं, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं, तो इनके जो वर्ड्स हैं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आने वाले जो यूथ है उनके ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट डालते हैं। आप खुद को कनेक्ट कर पाते हैं शायरी? हाँ, हम भी कुछ कर लेते हैं, तो तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए, वरना इतनी देर तक बैठना सबके बस का बात नहीं होता।